बिहार में मछलियों को बैन करने के बाद नीतीश कुमार ने अभी तक स्पष्ट तौर पर यह नहीं कहा है कि मछलियों को किस आधार पर बैन किया गया है। हालांकि आपको बताते चले कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से आने वाली मछलियों में फॉर्मिन नाम का एक तत्व पाया गया था जिससे कैंसर होता है, जिसकी वजह से बिहार सरकार ने मछलियों पर बैन लगा दिया। ये बातें आंध्रा और उड़ीसा से आने वाली मछलियों पर लागू होता है, मगर बिहार के लोकल तालाबों से मछुआरे जो मछली मारकर लाते हैं और उसे रोड चौराहे में बेचते हैं, इन मछलियों में फॉर्मिन मिलता है या नहीं, इस बात का जवाब बिहार सरकार के पास नहीं है। इसी को लेकर पिछले 3 दिनों से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं गर्दनी बाग में मुकेश सहनी, सनोफ मलाह यानी मुकेश सहनी, ये निषाद समाज के, मलाह समाज के एक बड़े नेता बनकर उभरे हैं पिछले कुछ दिनों में। और लगातार जिस तरह से महागठबंधन में इनकी एंट्री हुई है, इसको लेकर नीतीश कुमार और एनडीए काफी दिन से बैकफुट पर है। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव आज सनफ मलाह के सहायतार्थ उनके धरना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने उनके आमरण अनशन को तोड़वाया है। अपने हाथ से जूस पीकर तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी और उनके सहयोगियों का जो अनशन था उसे तोड़वाया है। इसके साथ साथ उन्होंने जो बयान दिया है, इस बयान को समझने लायक है। जो भूख हड़ताल पे या धरना देने का काम किया, नीतीश कुमार जी की गलत नीति के कारण लगातार जो है रोजगार जो है छीने जा रहे हैं। इनका जो व्यवसाय जो चल रहा था, बिहार सरकार ने एक रिपोर्ट के आधार पर इन्होंने बंद कराने का काम किया है पूरी तरीके से मछली। और आप लोग देखेंगे कि किस प्रकार से चंद्र बाबू नायडू जी ने ये बात कही है कि ऐसा कोई बात वहां नहीं है जिससे मछली में खराबी की बात आती है। ये पूरी तरीके से राजनीतिक षड्यंत्र के हिसाब से, क्योंकि मुकेश सहनी जी आज हमारे दल में जुटने का काम किए हैं, हमारे अलायंस में जुटने का काम किए हैं, उस वजह से नीतीश कुमार जी ने प्रतिशोध की भावना से ये कदम उठाने का काम किया। और इसमें आप देखिएगा खासतौर पर जो कम्युनिटी है मछुआरों की, गरीब तबका, और लगातार ये नीतीश कुमार जी के राज में करप्शन भ्रष्टाचार नहीं बंद होता है, इनके राज में अपराध नहीं खत्म होता, लेकिन बालू बंद किया जाता है और लगातार जो है आप देखिएगा मछली बंद किया जाता है और पता नहीं क्या क्या बंदी करने का काम करेंगे और जनता को तबाह करने का इन्होंने पूरी तरीके से काम किया है। तो आज सब लोग यहाँ धरना किए हैं, उसके लिए आगे भी हम लोग जो है इसकी कार्रवाई करेंगे और इसमें सभी लोगों को जुटा करके एक बड़ा आंदोलन भी हम लोग करने का काम करेंगे। धन्यवाद। तेजस्वी ने साफ तौर पर कहा है कि जहां एक तरफ मुकेश सहनी ने एनडीए को लात मारकर ठुकरा दिया था, वहीं महागठबंधन को उन्होंने गले लगाकर अपना बनाया था। इस बात से चिढ़कर नीतीश कुमार ने बिहार भर के मछुआरों से बदला लिया है। फॉर्मिन नाम की ये जो तत्व पाया गया है, ये आंध्रा की मछलियों में पाया जाता है, ना कि बिहार की मछलियों में। और बिहार के सारे पॉन्ड्स को इस तरह से तालाबों को बंद करा देना एक तरह से बदला है जो कि मछुआरा समाज से लिया जा रहा है, क्योंकि मछुआरा समाज अब एनडीए, जेडीयू और बीजेपी के साथ नहीं है, वो महागठबंधन में है। और इस बात से नीतीश कुमार को बहुत तकलीफ हो रही है, इसीलिए नीतीश कुमार ने उनसे बदला लेने के लिए मछलियों को बैन कर दिया है। अब देखना इंटरेस्टिंग है कि जिस तरह से दावा मुकेश सहनी ने किया है कि बिहार में मछुआरा समाज अब किसी प्रकार का मछली बेचने का व्यापार नहीं करेगा, अनंत काल के लिए, अनिश्चित काल के लिए मछली व्यापारी हड़ताल पर चले गए हैं। अब आने वाले समय में नीतीश कुमार इस हड़ताल को कैसे टैकल करेंगे, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के इस बयान का क्या जवाब देंगे, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है। न्यूज बिहार पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, अब बने रहिए न्यूज बिहार पर। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।